मॉर्निंग मॉर्निंग श्रीमद् भागवत गीता की कक्षा में तो आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 श्लोका नंबर 16। चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। तो लोका रिसाइटेशन करवाते हैं क्या प्रभु जी? तो नहीं कराते प्रभु जी। एक बार जो है ना हम श्लोका रिसाइट करने का भी प्रयास करेंगे, है ना। ज्ञान के साथ साथ जो है वो थोड़ा सा भगवान की जो वाणी है उसको रिपीट करने से थोड़ा अच्छा रहता है। आप लोग बताइए क्या करना है, श्लोका रिसाइट करना होगा तो फिर हम करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। जो जो भक्त चाहते हैं कि हम श्लोका रिसाइटेशन करें वो हैंड रेस कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हरे कृष्णा, हरे रिसाइटेशन। चलिए तो श्लोका रिसाइटेशन का मैं महत्व बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि जो है करने में थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ हम सही चीज कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा वेद व्यास प्रभु जी आती ये क्या नया चीज चालू कर दिए। देखिए क्या होता है ना कि भगवान ने भगवत गीता कही, भगवत गीता का अर्थ होता है भगवान का गीत, है ना। भगवान ने जो गीत जो संस्कृत के जो श्लोकाज हैं वो ऐसे सेंटेंस में नहीं होते हैं जैसे हम हिंदी में बात करते हैं ना कि मैं आज सुबह उठा, मैंने माला की और फिर उसके बाद फिर मैं भगवद गीता की क्लासेस अटेंड किया। तो संस्कृत के श्लोका ऐसे नहीं होते, संस्कृत में जो है वो पोएट्री के फॉर्म में होते हैं, पोएट्री है ना, तो बात भी करते हैं तो पोएट्री के फॉर्म में करते हैं। तो ये पोएट्री जो है ये भगवान के द्वारा गाया हुआ है, भगवान ने गीत गाया है। और भगवान जब गीत गाते हैं तो इससे जो है समस्त मानव जाति का कल्याण होता है। और ऐसा है कि जैसे कोई पिता होता है, कोई फादर होता है, और फादर अपने बच्चे को कुछ सिखाता है कि बेटा पापा बोलो, है ना। तो बेटा जो है तोतली बोली में पापा पापा बोलता है, छोटा बच्चा 2-3 साल का पापा पापा तोतली बोली में बोलता है, तो पिता को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की बोली हुई वाणी का जब हम रिपीटेशन करते हैं, उनके जो जो श्लोकाज हैं जो भगवान ने कहे हैं उनको रिपीट करते हैं, तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने से हमारे हृदय में भगवान की प्रसन्नता मतलब हमारी प्रसन्नता, ये सिद्धांत है। संसार में यदि हमको प्रसन्न रहना है तो हम भगवान को प्रसन्न करके स्वयं प्रसन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम श्लोका रिसाइटेशन करते हैं, तो इससे क्या होगा कि संस्कृत पढ़ने का जो है हमको एक हैबिट भी बनेगी और संस्कृत के जो कठिन श्लोकाज हैं वो भी हम इजिली पढ़ पाएंगे, है ना। हर भक्त को जो है वो श्लोका इजिली वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो श्लोका पढ़ने का क्या मेथड होता है। और जो भक्त मंदिर में आते हैं या डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं का जो है वो जो है उसमें जो अटेंड करते हैं, तो श्रीमद् भागवतम जो सुबह 8 बजे होती है उसमें हम प्रत्येक श्लोका को रिसाइट करते हैं, बट वो दैट इज अनदर टाइप ऑफ क्लासेस। तो ये क्लासेस जो है वो एक प्रकार से
श्रील प्रभुपाद की बुक जो है वो नियमित रूप से अध्ययन कर सके और ज्ञान अर्जित कर सके, इसके लिए है। तो कुछ कुछ श्लोकास जो है हम रिसाइट करेंगे, सारे नहीं करेंगे, जैसे कुछ कुछ श्लोकास जो है जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन श्लोकास को हम रिसाइट करेंगे, और कुछ श्लोकास को हम जो है वो याद करने का भी प्रयास करेंगे। ताकि श्लोका याद करने से क्या होता है कि ये एक प्रकार से जो है ना, आपने बचपन में देखा होगा, हम कल चर्चा कर रहे थे कि ऐसे कुछ श्लोका जो टीचर हमको छड़ी लेकर पीट पीट कर सिखाई हुई होती है, रटाई हुई होती है, वो श्लोका जो है हमारे माइंड में आज तक रहता है। मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कुछ श्लोका जो है, जैसे बचपन में हम पढ़े थे, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, और एक श्लोका था वर्ल्ड फेमस, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा। तो भगवत गीता कोई जानता भी नहीं होगा, उसे भी पता होगा ये श्लोक, ये दोनों श्लोक, क्योंकि जो है ये हमको रटवाया गया है, हम जानते हैं इसके बारे में। तो एक बार कोई संस्कृत के श्लोक याद कर लेता है तो वो कभी भी दिमाग से निकलते नहीं है ना। मतलब ऐसा समझिए कि माइंड के किसी न्यूरॉन्स में जाके वो सेट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि संस्कृत जो है वो भाषा ही ऐसी है। तो इसको देखिए, संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने का जो है वो एक विधि है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही जो है इसको सरल करके दिया हुआ है। हर कोई भक्त जो है, जैसे ये संस्कृत श्लोका है, किम किम कर्म किम कर्मेति, है ना। तो इसका आप नीचे देखेंगे, सबके पास भगवत गीता होगी, तो आप जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं। हर श्लोका के नीचे जो है वो शब्दार्थ होता है। हरे कृष्णा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी, तो अरे देखिए, मत हर श्लोका के नीचे यहाँ पर शब्दार्थ होता है, और ये शब्दार्थ में जो है जो बोल्ड अक्षर दिए हुए हैं, बोल्ड मतलब जो मोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ है वो संस्कृत है, और जो सामान्य है वो हिंदी है। तो हमको क्या करना है, जो मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं उनको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग दिए हुए हैं, इसको संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात। ठीक है, आप लोग प्रयास कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत् ते कर्म परोक्ष्यामि यत ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात। ठीक है, ये मैंने सामान्य शब्द की तरह पढ़े हैं। अब श्लोका होता है, पोएट्री होता है, तो इसका एक लय होता है, हर पोएट्री का तो इसका एक लय है, तो हम उसको अब लय में पढ़ेंगे, है ना। क्या इन्हीं शब्दों को भी मैं लय में पढ़ रहा हूँ, मैं अभी श्लोका नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल शब्द पढ़ रहा हूँ। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिता तत्कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात, है ना। मैंने इन्हीं शब्दों को पढ़ा है, दोबारा पढ़ेंगे। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। अब उसके बाद देखिए, अब इसको आप पढ़ लेंगे ना, तो अब श्लोका पढ़ना है, तो श्लोक पढ़ेंगे। तो श्लोका नहीं भी पढ़ेंगे, अगर इन्हीं को बार 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 पढ़ते रहेंगे ना, तो वो श्लोका के फॉर्म में अपने आप आ जाएगा। तो श्लोका है, किम कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे श्रुभात। ये श्लोका है, ठीक है। तो आप में से कोई ट्राई करना चाहते हैं, एक दो भक्त पढ़ के बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, हैंड रेस कीजिए। कोई भी भक्त जो ये संस्कृत का श्लोका पढ़ना चाहते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं, सीखना आवश्यक है ना। एनीबडी वांट्स टू? जी रोहित प्रभु, यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रोक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात। हरी बोल, बहुत बढ़िया। सुमति, हर सुमति देवी माता जी। जी प्रभु जी, किम
किम कर्म किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रविच्छामि यज्ञात्वा मोक्षस्य सुभाग। हरी बोल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो और लेंगे बस हम। सोनिका माता जी। हरे कृष्ण बाबूजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। किम कर्म किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षेषु भाग। हरि बोल, धन्यवाद। सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। किम कर्म किम कर्मेति कव्योपते मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षेषु भाग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। इसी प्रकार से प्रयास करते रहेंगे हम, जो है प्रतिदिन ऐसा करेंगे। और आप लोग खुद से भी सुना सकते हैं कि जैसे किसी ने कोई श्लोका याद किया है ना, और या फिर किसी ने प्रैक्टिस की है पढ़ने की, तो आप बता सकते हैं प्रभु जी मैंने ये श्लोका याद किया है, कृपया आप श्रवण करें, तो हम सबको उसका लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। तो हम आगे अब अनुवाद पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आप सब तैयार हैं? हरि बोल। तो अनुवाद, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो भगवद गीता तीसरा अध्याय है कर्म योग, और चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान। ठीक है, और दूसरा अध्याय था क्या? दूसरा अध्याय था गीता का सार, है ना। तो इसको समझिएगा, सीक्वेंस वाइज भगवान बता रहे हैं। चैप्टर वन जो है युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और उसके बाद फिर जब अर्जुन, परिपेक्ष बता रहा हूँ थोड़ा सा भगवद गीता का, कि अर्जुन जब जो है जब युद्ध स्थल में अपने सगे संबंधियों को, गुरु और पितामह, भाइयों बंधुओं को जब देखते हैं, वे कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जो है मेरा शरीर जो है वो जल रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, मेरा मुख सूख रहा है ना, तो मैं युद्ध नहीं कर सकता, है ना। उससे अच्छा तो यह होगा कि मैं वन में जाकर सन्यासी जीवन जीकर जो है वो अपना जीवन यापन करूं, ऐसा उसने कहा। तो भगवान ने जो है उनको कर्म के विषय में बताया कि तुम अपना कर्तव्य करो। तो दूसरा अध्याय गीता का सार बताया गया है। गीता का सार मतलब कि जो सारे जो हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर 3-4 से लेकर 18 तक, तो गीता के सार में भगवान ने जो है वो सारे चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा ट्रेलर दिया हुआ है, मतलब कि क्या आगे बताने वाले हैं। तो भगवान गीता का सार जो है उसमें सारा कुछ उसमें है, उसमें सांख्य योग है, उसमें कर्म योग है, उसमें ध्यान योग है, उसमें भक्ति योग है, और बुद्धि योग भी है ना, सारी चीजें हैं चैप्टर 2 में। लेकिन चैप्टर 2 मतलब कि गीता का सार, भगवान ये जो है ये सारी बातें संक्षिप्त में बताते हैं, विस्तार से नहीं बताते, संक्षिप्त में बताते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि क्या, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म में श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, यदि भगवद गीता अर्जुन सेकेंड चैप्टर में ही समझ जाते कि भगवान का अभिप्राय क्या है, तो भगवद गीता चैप्टर 2 में ही समाप्त हो जाती, भगवान आगे नहीं बताते। ठीक है, लेकिन अर्जुन ने जो है वो तीसरे अध्याय में कर्म के विषय में, मुझे क्या कर्म करना है ना, और मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ इन चीजों को, है ना, यहाँ पर बता रहे हैं ना, बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो आप मुझे क्यों युद्ध में लगाना चाह रहे हैं। कि अगेन जो है वो अर्जुन जो है वो भगवान से प्रश्न करते हैं इस प्रकार से। तो भगवान फिर जो है वो सारा जो है उन्होंने जो संक्षिप्त में बताया था चैप्टर 2 में, उसे अब डिटेल में आगे एक्सप्लेन करते हैं, कर्म योग, दिव्य ज्ञान, फिर उसके बाद कृष्ण भावना भावित कर्म, फिर ध्यान योग होगा, फिर भगवत प्राप्ति, फिर इस प्रकार से आगे सारे चैप्टर्स सीक्वेंस वाइज होते हैं। तो इनमें आप देखेंगे कि एक चैप्टर में भगवान जो है वो थ्योरिटिकल बताते हैं, और फिर दूसरे चैप्टर में बताते हैं
प्रैक्टिकल चीजें कि हमको लाइफ में करनी क्या है। तो कर्म योग में जो है, जैसे चैप्टर टू में भगवान ने सारा कुछ ज्ञान बताया, और कर्म योग में जो है भगवान ने बताया कि आपको क्या कर्म करने है ना। और उसके बाद फिर दिव्य ज्ञान चैप्टर में भगवान बताएंगे अगेन, फिर उसके बाद थियोरिटिकल चीजें बताएंगे, और फिर उसके बाद फिर दिव्य ज्ञान के बाद फिर बताएंगे कि हमको कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे करना है। तो ये ऐसा चलता रहता है, थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल। तो अभी जो है ना हम थोड़ा सा इसको पढ़ रहे हैं, कर्म के विषय में पढ़ रहे हैं और कर्म के सिद्धांतों के बारे में हम जो है वो जान रहे हैं, मतलब जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में जो है पिछले श्लोक में आपने पढ़ा होगा, पिछले श्लोक में बता रहे प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। चैप्टर जो 4 है इसमें भगवान विशेष रूप से क्या क्या बताते हैं, बहुत ही फेमस श्लोका है जिसको हर बार कोट किया जाता है। कौन सा श्लोका? नंबर 9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है ना। तो भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य जानता है वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। और श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और एवं परंपरा प्राप्ति मिमम राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः। तो इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया है ना। तो यह ज्ञान जो होता है ना यह परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। भगवान ने जो है यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था है ना, और उसके बाद फिर विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, मनु ने इच्छुवाकु को दिया, लेकिन काल क्रम में यह ज्ञान जो है वो विलुप्त हो गया। तो भगवान फिर से आए पुनः इस ज्ञान को बताने के लिए, और उन्होंने किसको दिया? अर्जुन को बताया है ना। और उसके पश्चात जो है हम गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान आज श्रील प्रभुपाद से प्राप्त कर रहे हैं है ना, ठीक है। तो जैसे कि श्लोका नंबर 15 में बता रहे हैं, समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो जो जो प्रीवियस आचार्यज होते हैं उनके पद चिन्हों का हमको अनुसरण करना चाहिए, ये पिछले श्लोका में बताया गया है कि उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, जो साधना पद्धति बताई है, जो भी नियम और रूल्स फॉलो करने के लिए कहा है उन सबको हमको फॉलो करना चाहिए। तो ये कह जाता है अनुसरण, पद चिन्हों का अनुसरण है ना। एक शब्द होता है, एक और शब्द होता है अनुकरण करके है ना। तो अनुसरण और अनुकरण में अंतर यह है कि अनुसरण का मतलब होता है उनके द्वारा बताई गई शिक्षाओं का पालन करना, और अनुकरण का अर्थ होता है कि उनके लाइफ स्टाइल को कॉपी करना है ना। तो दूसरा चीज हमको नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है, ठीक है। अनुकरण हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दे आर एनलाइटेंड सोल है ना, सारी मुक्त आत्माएं हैं और उनकी एक्टिविटी सामान्य जीवों से बहुत अलग होती है, ठीक है। जैसे कि हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 192 माला किया करते थे, तो अभी इस समय में वह कर पाना कठिन है। और जो हमारे गोस्वामी गण है वे वृंदावन में जाकर रहा करते थे, तो प्रारंभ में तो वो कुटिया भी उन्होंने नहीं बनाई थी, किसी दिन किसी पेड़ के नीचे, किसी दिन किसी पेड़ के नीचे है ना, सर्दी गर्मी बरसात सारे टाइम ऐसे ही रहा करते थे, ठीक है। तो हम उनके लाइफ स्टाइल का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन उनकी शिक्षाओं का हम अनुसरण कर सकते हैं, और वही हम जो है वो गीता की क्लास में सीख कर समझ कर करने का प्रयास कर रहे हैं ना, कि उनके ज्ञान को हम लेकर अपने जीवन में उसको अप्लाई करें, नई नई चीजें जाने और समझे, और समझ के जो है उसका जो है अपने जीवन में अनुसरण करें, अप्लाई करें, तब जो है वो भगवद गीता ज्ञान का उद्देश्य पूर्ण होगा, ठीक है।
तो अब आते हैं, सारा इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद, ठीक है, श्लोका नंबर 16, अनुवाद, कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो मोहग्रस्त हो जाते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं मोहग्रस्त मतलब कि मोहित होना, मोहित होने का मतलब ही यह होता है कि थोड़ा सा जो है भ्रमित हो जाना बुद्धि जो है वो, है ना। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद और विस्तार से बताएंगे, तात्पर्य ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए, इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुक कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। तो दो तीन पॉइंट्स जो है इस तात्पर्य में आए हुए हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आया है कि जैसे कि मैंने पहले बताया, पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए, है ना। जो कर्म है वो पूर्ववर्ती आचार्यों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए, है ना। और कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना चाहिए। प्रामाणिक पुरुष, ठीक है, प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना चाहिए। और प्रामाणिक पुरुष में से जो है श्रील प्रभुपाद ने 12 नाम नीचे दे दिए हैं जो कि भक्ति के अधिकारी हैं, महान अधिकारी कहते हैं जिनको, और इनको 12 महाजन कहा जाता है, है ना। 12 महाजन कहा जाता है, और ये 12 महाजन जो है वो भक्ति की अथॉरिटी है मान के चलिए, है ना। इनके पद चिन्हों का हम अनुसरण करते हैं। तो इनमें से कौन कौन है आप लोग लिख लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक में। यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य को चाहिए कि, है ना, नीचे से छठवा पैराग्राफ, सॉरी छठवीं लाइन, नीचे वाले पैराग्राफ की छठवीं लाइन नीचे से और ऊपर से चौथी लाइन में दिया हुआ है, मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। 12 महाजन, ठीक है, मिला सबको, सबको मिल गया, है ना। इसको लिख लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, है ना, इसको याद कर लीजिए। क्यों, आप देखिए याद करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि भगवान के भक्तों का भी कोई नाम लेता है ना तो भी भगवान देखते हैं। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं यह सोचकर क्या यह सिद्धांत है कि
जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि आप जो है ऐसे कार्य करो कि भगवान आपको देखने के लिए स्वयं आए, है ना, तो हम उसी कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। दर्शन हमको स्वयं भगवान का दर्शन भी करना है और हम चाहते भी हैं कि भगवान हमारा, तो क्या होता है कि या अगर हम भगवान की सेवा निष्ठा भाव से करते हैं, है ना, और भगवान की सेवा जो है पूरे मन से करते हैं तो भगवान हमको देखने के लिए आते हैं। जैसे कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो सारी जो है एंटायर, मतलब कि ये जो भौतिक प्रकृति है इसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवता और जो भी है, जब देखते हैं कि ये भगवान का नाम ले रहा है तो सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, समझ रहे हैं। विशेष रूप से जो है भौतिक शक्ति भगवान की, बहिरंगा शक्ति जो माया देवी है, वे एक्टिव हो जाती है और देखने लगती है कि इनको जो है वो कितना इनकी श्रद्धा है, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो है परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है भक्तों को। तो जैसे भगवान का नाम लेने से जो है भगवान भगवान जो है वो ध्यान देते हैं हमारी तरफ, देखो हम मेरा बेटा जो है वो मेरा नाम ले रहा है इस प्रकार से, तो वैसे ही जब भक्तों का नाम लेते हैं तो उससे भी काफी जो है हमारे हृदय में बल मिलता है, बल प्राप्त होता है ताकि हम भगवान के नाम का उच्चारण और अच्छे से कर सके, है ना। तो इनको कोई याद करेंगे ना तो उससे लाभ ही होगा, क्योंकि ये सब भगवान के भक्तों के ही नाम है, ठीक है। तो ये चीज है, तो आगे हम पढ़ते हैं क्या है इसी में तात्पर्य में। तो यदि हम जो है प्रामाणिक आचार्यों का अनुसरण नहीं करेंगे तो बुद्धि जो है वो मोहग्रस्त हो जाएगी। मोहग्रस्त से कहने का मतलब है कि हमको लगने लगेगा कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको नियमों को हम परिवर्तित करने का प्रयास करने लगेंगे, या फिर ऐसा ऐसा हो जाएगा कि जैसे आजकल भक्ति के नाम पे लोग कुछ भी कर रहे हैं, है ना, कोई भी एक्टिविटी करते रहते हैं और कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रामाणिक आचार्य गण है, प्रामाणिक जो जो मुक्त आत्माएं हैं उनके बताए हुए पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे तो हम भटकने से बच सकते हैं। वरना ऐसा लगेगा मन में कि हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन उस भक्ति का कुछ लाभ होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए जो है वो भगवान स्वयं आए अर्जुन को जो है यह ज्ञान बताने के लिए, ताकि उसमें कोई त्रुटि ना हो, है ना। भगवान से कोई त्रुटि नहीं हो सकती, स्वयं भगवान यह बातें बोल रहे हैं इसीलिए। और फिर उसके बाद फिर यहाँ भी बता रहे हैं, अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता, वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीता, मतलब भगवान के मुख से जो निकली हुई वाणी है वही वास्तव में धर्म होता है। कोई भी अपने मन से या फिर अपने मेंटल स्पेकुलेशन से, मानसिक चिंतन से किसी भी प्रकार के धर्म का निर्माण नहीं कर सकता, है ना। जैसे आजकल के टाइम में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, प्रभुपाद लिख रहे हैं, केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है, है ना। मानसिक चिंतन मतलब क्या, व्यक्ति सोचता रहेगा, सोचते 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 जो है उसको लगेगा कि हाँ ये भगवान है, ये ऐसा है, ध्यान में बैठा हुआ है, कुछ उसको प्रकाश प्रकाश दिखाई दे दिया तो उसको लगेगा कि हाँ अरे मैंने जो है वो परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया, परम तत्व को प्राप्त कर लिया, और उसके बाद फिर जो है वो समस्त संसार में इसी ज्ञान को फैलाने लगेगा, बताने लगेगा लोगों को, और धीरे धीरे जो है जो लोग जो है उनके शिष्य भी होंगे वो भी यही बात बोलेंगे कि गुरु जी हमारे जो है वो ध्यान पे बैठे हुए थे, जो है 12-15-13 दिन तक ध्यान में लगातार बैठे हुए थे गुरु जी हमारे, गुरु जी ने ना पानी पिया ना भोजन किया, गुरु जी आँख खोल कर भी गुरु जी ने नहीं देखा, और जब 13वें दिन जो है गुरु जी ने आंखें खोली तो गुरु जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा उनके शिष्य भी इसी प्रकार प्रचार करेंगे संसार में और बोलेंगे कि अब गुरु जी जो ज्ञान बता रहे हैं वही ज्ञान परम ज्ञान है ना। लेकिन गुरु जी ने वह ज्ञान कैसे प्राप्त किया, मेंटल स्पेकुलेशन से, है ना। जरूरी नहीं है कि ध्यान में बैठकर जो है जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह वास्तविक ज्ञान हो, है ना। इसीलिए यहाँ पर बार बार इस बात पर बल दिया जा रहा है कि प्रामाणिक आचार्य और मुक्त आत्माओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, नहीं तो फिर लोग क्या होते हैं, लोग ऐसे लोगों के
के जो है बनाए हुए मानसिक धर्म का जो है पालन करने लगते हैं, समझ रहे हैं ना। और ऐसे मानसिक धर्म वाले ऐसे जो है बहुत सारे ऐसे धर्म बने हुए हैं जहाँ फिर वो लोग क्या बोलेंगे, पहले पहले बोलेंगे कि परमात्मा जो है वो बिंदु है, लाइट है, प्रकाश है ना। फिर उसके बाद बोलेंगे कि गुरु ही जो है वो भगवान है ना, कबीर परमात्मा। और उसके बाद फिर क्या बोलेंगे कि मैं ही भगवान, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं लोग। पहले बोलेंगे ब्रह्म ज्योति, फिर कोई संस्था है जो शिवलिंग को परम भगवान बोलती है, कोई संस्था बोलती है कि संत कबीर परम भगवान है, लेकिन उसी संस्था के लोग अनुयायी लोग बाद में क्या बोलते हैं कि मैं परम भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, आई एम सेल्फ अक्लेम्ड गॉड। भले वो अपनी जो है वो भगवान जो है वो व्हील चेयर में ही क्यों ना घूमते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है हमेशा जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 12 अथॉरिटियों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। क्या क्या फिर से एक बार पढ़ूंगा, ब्रह्मा शिव नारद मनु चारों कुमार कपिल प्रहलाद भीष्म सुखदेव गोस्वामी यमराज जनक तथा बलि महाराज। इन 12 अथॉरिटियों के द्वारा बनाया गया जो गुरु शिष्य परंपरा है उसी में जो है ज्ञान अर्जित करना और उसी में जो है वो साधना की प्रैक्टिस करने से हमारी साधना का फल प्राप्त होता है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सारा कुछ श्रमेव ही केवलम, है ना, केवल व्यर्थ का श्रम हो जाएगा और उससे लाभ कुछ नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारी परंपरा जो है वो ब्रह्म गौड़ी मध्व संप्रदाय है ना। तो ये ब्रह्मा जी से आई हुई है, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद जी ने व्यास देव जी को, है ना। तो इस प्रकार से जो है यह ज्ञान बढ़ता है, तो यह प्रामाणिक ज्ञान है क्योंकि यह ज्ञान ब्रह्मा जी से आ रहा है। आप देख सकते हैं भूमिका के बाद गुरु शिष्य परंपरा दी हुई है, यहाँ पे 32 लीनियज है, 32 जो है वो लीनियज है, जिसमें से श्री कृष्ण से स्टार्ट होकर 32वें नंबर पर है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना। तो हम प्रभुपाद से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो हमें जो है वो बहुत स्वयं को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ठीक है, तो आगे है, भगवान अपने भक्तों पर हेतु की कृपा व स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और कर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भाव बंधन से उबार सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भाव बंधन से उबार सकता है। तो भाव बंधन क्या होता है ना, भाव बंधन से उबार सकता है बोल रहे हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज भाव बंधन। तो कोई भक्त बता सकते हैं भाव बंधन क्या होता है, समय हो रहा है, एनीबडी वांट्स टू टेल अबाउट भाव बंधन, हैंड रेस कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, भाव बंधन मीन्स जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहना भौतिक जगत में, बार बार जन्म मृत्यु। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छे, धन्यवाद प्रभु जी, सही बोल रहे हैं। भाव बंधन का अर्थ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो ये भाव बंधन होता है जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए रहना और संसार में जो है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के सुख और दुखों को झेलते रहना, यह भाव बंधन होता है। और जीवात्मा जो है वो बार 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 इस संसार में जन्म लेती रहती है और उसके कारण जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, भगवान से दूर होती है और दुखी होती है। तो ऐसे जो है इस संसार के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए ये जो है कृष्ण भावनामृत में कर्म किया जाता है जो भाव बंधन से निकाल सकता है, उबार सकता है। ठीक है, तो आगे हम कर्म की बारीकियों को हम समझेंगे। श्लोका नंबर 17, कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म विकर्म और अकर्म के विषय में बताएंगे अब। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है।
कृष्ण भावना मृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्म अकर्म तथा विकर्म का विश्लेषण बहुत आवश्यक है और ये गहनतम विषय है ना, अत्यंत गहन है, समझना उतना सरल नहीं है। कृष्ण भावना मृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसको जानना होगा। दूसरे शब्दों में जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावना मृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावना मृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है ना, सबसे बड़ी बात यही है कि कृष्ण भावनामृत में हमको कार्य करना है और यही भगवद गीता का परम लक्ष्य है ना। तो कुछ लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं जैसे यहाँ पे बता रहे हैं बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा कि कर्म क्या होते हैं। तो कई बुद्धिमानी लोग जो होते हैं बहुत सारे होते हैं जो कि भगवद गीता पढ़ते जरूर हैं लेकिन भगवद गीता के जो है सही अर्थ को नहीं समझ पाते और उसमें व्याख्या करते रहते हैं ना। तो बहुत सारी किताबें ऑलरेडी भगवद गीता के ऊपर अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी हुई मार्केट में अवेलेबल है लेकिन जो जो भगवद गीता यथारूप है श्रील प्रभुपाद की, यह भगवद गीता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिक है ना। और श्रील प्रभुपाद जो है वो हर कुछ लोग इसलिए भी बुद्धिमान लोग यह भी देखकर इस गीता को जो है वो ऐसा कहते हैं कि प्रभुपाद जो है वो ये इस्कॉन वाली गीता जो है वो सही नहीं है, इसको मत पढ़ा करो, ऐसा करके भी बात बोलते हैं कुछ लोग, सुनने में आया है ना। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो प्रतिदिन नए नए अनुभव बोलते हैं, नए नए प्रकार के लोग मिलते हैं, तो उसमें से एक ये भी बोलते हैं कि ये भगवद गीता सही नहीं है, इसमें संस्कृत शब्दों की व्याख्या सही नहीं हुई है या तात्पर्य सही नहीं, ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आपको भी अगर ऐसे व्यक्ति मिले तो आप उनको बता सकते हैं कि वास्तव में भगवद गीता का अर्थ क्या है, भगवद गीता का ज्ञान का लक्ष्य क्या है ना। वो चौथे अध्याय के 17वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद दे रहे हैं क्या, कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। समझ रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना, ठीक है। हमारी एवरी एक्टिविटी, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्षण जो है वो कृष्ण भावना भावित कर्म होना चाहिए, तभी जो है यही भगवद गीता का लक्ष्य है और यही सीखना है हमको, यही चीज हम यहाँ पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की है और श्रील प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद जो है वो हर श्लोका का तात्पर्य निकाल कर भक्ति में ही करके लाएंगे, है ना। और यही भगवान बताना भी चाह रहे हैं, अर्जुन जो है ना भक्तो असी में सखा चेति बोल रहे हैं ना कि मैं आप तुम हे अर्जुन, मैं यह ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, है ना। और अर्जुन जो है वो दूसरे अध्याय में बोल रहे हैं क्या कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे जो है वो उपदेश दे। अभी तक सखा की तरह बात कर रहे थे, अब शिष्य की तरह बात कर रहे हैं। तो भगवान जो है, भगवान अर्जुन जो है वो भगवान के प्रिय मित्र हैं और भक्त हैं, है ना। तो भगवान अपने भक्तों को कुछ बताएगा तो भक्ति के विषय में ही बताएंगे कि हे अर्जुन तुम मेरी भक्ति करो, है ना। तो सोचिएगा आप लोग थोड़ा माइंड में थोड़ा सा जो है वो खलबली मचा के थोड़ा सोचिए कि अर्जुन जो है वो इतने बड़े धनुर्धर थे, है ना, महान ज्ञानी थे, उन्होंने इंद्र से जो है वो अस्त्र प्राप्त किया था, अग्निदेव से जो है उन्होंने रथ प्राप्त किया था, शिव जी को से भी युद्ध किया था, उनसे पशुपत अस्त्र प्राप्त किया था, द्रोणाचार्य जी को उन्होंने प्रसन्न किया था, अर्जुन के रथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे और उनकी ध्वजा में जो है
हनुमान जी विराजित थे, इतने सारे लक्षण, इतने जो है। और अर्जुन सशरीर जो है वो इसी शरीर में, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इसी मनुष्य के शरीर में स्वर्ग लोक में जाते हैं, है ना। स्वर्ग लोक को, स्वर्ग के निवासियों का शरीर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से बना होता है ना। लेकिन अर्जुन में इतनी क्षमता थी कि वे इसी शरीर में स्वर्ग लोक चले गए। तो ऐसा जो है बुद्धिमान व्यक्ति और इतना यशस्वी पुरुष, ब्रिलियंट माइंड, क्या ऐसा मोहग्रस्त हो सकता है कि वो बोले युद्ध के बीच में जाकर कि मैं भगवान में युद्ध नहीं करूं, है ना। तो वास्तव में जो भगवान के भक्त और भगवान के मध्य जो कार्यकलाप होते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि वह समस्त मानव जाति को संदेश दे सके। समझ रहे हैं? ये सारे जो, ये जो भगवत गीता है, ये अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन पहले से ही आत्मज्ञानी है ना। अर्जुन ऑलरेडी आत्मज्ञानी है। ये हमारे लिए, हम जो है वो भगवत गीता का अध्ययन करके, श्रवण करके वो चीज समझ सके जो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको समझाना चाह रहे हैं, है ना। तो अर्जुन जो है वो भगवान के परम भक्त है, ठीक है। तो भगवान उन्हीं को वही यह ज्ञान देंगे जो भगवान के भक्त होंगे, जो भगवान को जानते होंगे, जो भगवान को सशरीर जानते होंगे, है कि नहीं, है ना। एग्री करते हैं आप लोग? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवत गीता की व्याख्या करते हैं और उसमें बताते हैं कि भगवत गीता जो है वो शरीर रूपी भगवान श्री कृष्ण ना कहकर उनके अंदर से कोई आत्मा कह रही है ना। ये चीज वो बताते हैं कि उनके अंदर से जो है परमात्मा आए उनके अंदर में, और उनके अंदर से परमात्मा बोल रहे हैं, वो शरीर वाले कृष्ण नहीं बोल रहे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं, सॉरी दूसरे अध्याय में बता रहे हैं, बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मा प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमिति स्व महात्मा सुदुर्लभ, है ना। बहुत जन्मों के बाद ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति उत्पन्न होता है जो कि भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान समझ पाता है, और ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है ना। तो ये भगवद गीता उन लोगों के लिए कही गई है जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण मानते हैं, मतलब परम परम भगवान मानते हैं ना। मेरे ख्याल से आप लोग इस विषय में पहले भी चर्चा कर चुके होंगे। तो यहाँ पर भगवत गीता में जो है व्यास देव जी जो है लिखते हैं, जहां पर भी भगवान बोलते हैं वहां पर बोलते लिखते हैं श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा, है ना। क्यों? क्योंकि वो परम भगवान है इसलिए श्री भगवान उवाच लिखा है ना। व्यास देव जी को कोई कंफ्यूजन तो था नहीं कि कृष्ण भगवान है या उनके अंदर से कोई और बोल रहा है ना। व्यास देव जी भक्ति की अथॉरिटी में से एक है, मतलब हमारी परंपरा में आते हैं। तो व्यासदेव जी ऐसा कह रहे हैं श्री भगवान उवाचा, तो हमको समझना होगा कि वास्तव में ही भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। अगर वो भगवान नहीं होते तो वे कहते श्री कृष्ण उवाचा, है कि नहीं। लेकिन व्यासदेव जी कह रहे हैं श्री भगवान उवाचा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तो भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, है ना। ये दूसरे अध्याय का जो है ना, ये श्लोका नंबर दूसरे अध्याय के श्लोका नंबर 3 या 4 में जब भगवान बोल ना स्टार्ट करते हैं, उसमें जो है विस्तार से श्रील प्रभुपाद बताते हैं। श्लोका नंबर 8 में बताते हैं ना, श्लोका नंबर 8 में भगवान के विषय में पूरा संपूर्ण ज्ञान बताते हैं कि भगवान है कौन, और जो हम सुनने जा रहे हैं वो किनका, इनके बारे में सुनने जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनके अलावा भी कोई परम भगवान परमात्मा या ब्रह्म ज्योति है क्या, है ना। ये कम से कम इतना कंफ्यूजन तो हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई अगर ये प्रश्न है कि प्रभु जी आप क्यों बोल रहे हो, है ना, कृष्ण भगवान है, या फिर कोई ऐसा, या फिर कोई किसी के मन में यह प्रश्न हो इस प्रकार से, तो आगे जो है आगे श्लोकाज में श्रील प्रभुपाद और इसको क्लियर करेंगे। तो सब भगवत गीता सीखने का सबसे बड़ी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान माने। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण को, और जो हमारे आचार्य गण है जो मुक्त आत्माओं के विषय में बताया जा रहा है, वे भी भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान मानते हैं, है ना। और आगे भी भगवान बताएंगे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। सभी यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ, है ना, सभी लोगों का परमेश्वर मैं ही हूँ, ये भगवान बताएंगे। तो यही चीज जो है वो श्रील प्रभुपाद हमको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं, तो यह ज्ञान वही समझ सकता है जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है।
और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के भक्त है और हम सब भी भगवान के भक्त हैं। दैट इज वाई इस चीज को हमको समझना है और कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है, यही भगवद गीता का परम लक्ष्य है। ठीक है, और ये चीज जो है जैसे मैंने बारीकी जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग से लेकर कि भगवान श्री कृष्ण तो कर्म विकर्म और अकर्म का जो सिद्धांत है इसको हम समझेंगे धीरे से कि ये क्या होता है। और ये ऐसा ऐसा समझना नहीं है, ऐसी ऐसा है ऐसी वास्तविकता है कि हम ये जो है ज्ञान साक्षात भगवान से ही समझ रहे हैं, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं इसके विषय में समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता का पूरा तात्पर्य दिया है और श्रील प्रभुपाद भगवान के अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। दैट मीन्स भक्त ही भगवान के विषय में बता सकते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में बताते हैं भगवद गीता के कि भाई देखिए कोई किसी घर में रहता है ना, तो बाहर का व्यक्ति उस घर के बारे में बताएगा कि नहीं ये घर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, फॉल सीलिंग वगैरह अच्छा हुआ है, बढ़िया जो है पर्दे वर्दे अच्छे लगे हुए हैं, है ना, एसी भी है। तो ये सारी चीजें बाहर का व्यक्ति बताएगा तो ज्यादा अच्छे से बताएगा, या घर का व्यक्ति जो उस घर में रह रहा है वो बता पाएगा कि भाई यहाँ पे ये सुविधाएं हैं, ये जो है अच्छा लग रहा है, इसको सब देख जो है व्यवस्था बहुत अच्छी की है। बताइए आप लोग, जो घर में रहता है वो अच्छे से बता पाएगा कि जो बाहर रहता है वो अच्छे से बता पाएगा? तो जो घर में रहता है वही बता पाएगा ना, है कि नहीं, एग्री करते हैं आप लोग, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के विषय में और भगवद गीता के विषय में वही व्यक्ति बता सकता है जो भगवान का भक्त है, है ना, जिसने भक्ति को जो है अंगीकार किया है और जो कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है वही व्यक्ति बता सकता है, ना कि वो व्यक्ति जो कि भगवान को भगवान नहीं मानता, भगवान को कुछ और, कृष्ण को कहता है कि उनके अंदर से कोई परमात्मा या फिर कोई ब्रह्म ज्योति कह रही है, वो बता सकता है ना। तो परफेक्ट रूप से कौन बताएगा? परफेक्ट रूप से वही बता सकता है जो भगवान को समझता है ना। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान के साथ रहते हैं, जो भगवान के नित्य संगी है, जो भगवान के पार्षद है, जो गोलोक धाम में निवास करते हैं, है ना, वही बता पाएंगे ना गोलोक धाम के बारे में और भगवान के बारे में। समझ रहे हैं आप लोग, तो है ना। तो सारे जो मुक्त आत्माएं होती हैं, जो हमारे आचार्य गण हैं, षट गोस्वामी गण और गुरु परंपरा, ये सारे भगवान के पार्षद हैं, भगवान के साथ नित्य लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो इसीलिए वो जब बताते हैं भगवान के विषय में तो वो परफेक्ट नॉलेज ही बताएंगे ना। श्रील प्रभुपाद भी भगवान के पार्षद हैं तो वो भी परफेक्ट चीज ही बताएंगे। तो ऐसा ये डाउट मन में आना ही नहीं चाहिए कि कोई व्यक्ति आकर बोल दिया कि इस्कॉन की गीता गलत है, तो उनको हम बता सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद को ये टाइटल दिया हुआ है क्या, भक्ति वेदांत स्वामी। तो भक्ति वेदांत का अर्थ है कि वेदों का अंत जो है वो भक्ति में करे, है ना। तो प्रभुपाद जो है वो सारे वेदों को और शास्त्रों को पढ़ के निचोड़ निकाल कर जो उसका क्रक्स है ना, वो निकाल कर हमको देते हैं, जो वास्तविक रस है वो देते हैं। और वो क्या है? वो है भक्ति, है ना। अनेक प्रकार के, जो तीसरे अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो है वो समस्त प्रकार के कर्म भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित है। और जो भी हम आचार संहिता करते हैं, जो भी यज्ञ तपस्या आदि करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, देवताओं को यज्ञ करके जो है ग्रेटिट्यूड अर्पित करना चाहिए। तो ये सब क्यों बताते हैं? क्यों? क्योंकि हमको जो है वो हर कर्म जो है वो कृष्ण भावना भावित कर्म करना है और हमको हर कर्म जो है वो भक्ति से जोड़कर करना है। ठीक है, तो इसके रहस्य को समझना बहुत आवश्यक है। तो आज हमने जो है वो आज हमने ये जाना कि हमको जो है वो कृष्ण भावना भावनामृत में जो मुक्त आत्माएं हैं उनका अनुसरण करना है, उनके जो है सिद्धांत है, उनके जो आदर्श है उनका पालन करना है, उनके आदर्शों के अनुसार हमको चलना है। ठीक है, अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना, कॉपी नहीं करना है। और फिर हमने जाना क्या, हमने जाना कि भगवान ने यह ज्ञान जो है वो भगवान जो है वो स्वयं अर्जुन को यह कृष्ण भावना भावित उपदेश देते हैं, क्योंकि तो अर्जुन भगवान के भक्त हैं। तो भगवान कोई शिक्षा देंगे, किसी को बताएंगे तो उसमें त्रुटि नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद हमने धर्म की जो है जो भक्ति की 12 अथॉरिटीज जो हैं उनके बारे में जाना। ठीक है, और उसके बाद श्लोका 17 में हमने जाना कि हर कर्म को कैसे जो है वो कृष्ण भावना भावित कर्म में करना है।
और यही जो है वो भगवत गीता का लक्ष्य है ना। आगे बता रहे हैं, समय मेरे ख्याल से हो गया है जी प्रभु जी, समय हो गया प्रभु जी, है ना। तो हम जो है वो यही पर विराम देते हैं, 5 मिनट बचा हुआ है, यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या फिर प्रभु जी अगर कुछ आप कुछ इसमें संकलित करना चाहे, कोई मतलब टीका टिप्पणी देना चाहे तो दे सकते हैं। हरे कृष्ण, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं पहले, किन्हीं का कोई प्रश्न है आज की क्लास से रिलेटेड। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक बार कर्म अकर्म विकल्प को थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा समझा देते 5 मिनट। कर्म अकर्म विकर्म ये तो कल पढ़ेंगे प्रभु इसको डिटेल में, है ना। फिर भी मैं कर्म अकर्म और विकर्म को थोड़ा सा बता देता हूँ कि कर्म क्या होता है, कि जो हमारे जो कर्तव्य है जो बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार वो कर्म है। विकर्म वे है जो हमको नहीं करने के लिए बोले गए तो निषिद्ध है ना, जिनको करने से पाप लगता है वो विकर्म है। और अकर्म वह है कि जो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता, मतलब कि जो कृष्ण भावना भावी हर कार्य जो भगवान के लिए करता है वो अकर्म है। कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करना ये अकर्म कहलाता है, ठीक है सर। इसको हम और डिटेल में कल चर्चा करेंगे, चैप्टर टू में भी भगवान इसके विषय में बता रहे थे, तो ये कर्म योग में इसको विस्तार से पढ़ते हैं, तो इसके विषय में कल हम और चर्चा करेंगे, ठीक है प्रभु। सैटिस्फाइड जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को ना एनी हाउ 6:45 तक क्लोज करने की कोशिश करें, और 5 से 7 मिनट जो है ना क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे, ताकि एनी हाउ 6:50-6:55 तक अपन जो है ना सब भक्तों को रिलीज कर दें, ताकि क्या होता है सुबह सुबह का समय चैंटिंग सबके अपने अपने ड्यूटीज सब चीजें रहती है तो वो निपटा लेंगे। 6 o'clock स्टार्ट हो जाए और 6:40-6:45 तक एनी हाउ क्लोज हो जाए, तो बाकी 10 मिनट चर्चा के लिए समय रखेंगे, बस और कुछ नहीं, बस यही कहना था। और आशा करता हूँ सब जो है ना 15 दिन जो है मैं अभी जा रहा हूँ, कल आज ही जा रहे हैं धाम यात्रा पे, तो सबकी कंटिन्यूशन बनी रहेगी। और किसी को भी भक्ति में जो है ना भगवत गीता से दूर नहीं होना है, हर पल उसको साथ में रहना है, तो इसीलिए वेद प्रव्यास प्रभु जी ने समय दिया और उन्होंने जो है ना व्याख्या करने की जो है ना हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया, ताकि ये क्लास कहीं पे भी टूटे ना, हमारा रिदम ना छूटे। तो बस बहुत आशा करता हूँ सब चीज बढ़िया रहेगी, सब स्वीकार करेंगे अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो किसी का अगर कुछ कहना है, डाउट है या कुछ, और अपनी तरफ से उनकी ऐसा लग रहा है कि उनके हिसाब से ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो भी अपनी बात शेयर कर सकते। तो ठीक है, तो प्रभु जी का स्वागत भी करते हैं और सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं और क्लोज करते हैं क्लास का, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। भक्त वृंद की जय, जय भगवद गीता हरि 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 बोल।